नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है भी या नहीं। विपक्षी नेताओं के पास अब कोई काम तो रह नहीं गया है, लिहाजा इसे ही मुद्दा बनाकर हल्ला कर रहे हैं। केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो कम पढ़ा लिखा हो। ये पूरा विवाद इस वक्त मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, अब इसी बीच बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया। वायरल हो रही फोटो में शाहरुख हाथ में डिग्री लेकर खड़े हैं। अब फोटो सामने आई तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शाहरुख ने मोदी को चिढ़ाने के लिए इस तरह की फोटो जानबूझकर क्लिक कराई है। फोटो में शाहरुख हाथ में अपनी डिग्री लेकर खड़े हैं और चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान है। वैसे अब अगर आप सोच रहे हैं कि फोटो एडिटेड है तो आपको बता दें, फोटो एकदम रियल है, कहीं भी कुछ भी एडिटेड नहीं है। लेकिन हाँ, फोटो को जोड़कर जो एंगल निकाला जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये फोटो साल 2023 की है ही नहीं और ना ही इसका मोदी के डिग्री विवाद से कोई लेना देना है। ये तस्वीर साल 2016 की है, जब शाहरुख खान दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री लेने के लिए पहुंचे थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि शाहरुख दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चले गए ताकि अपना करियर बना सके। शाहरुख का करियर ऐसा बना कि वो अपनी डिग्री लेना ही भूल गए। पढ़ाई पूरी करने के 28 साल बाद वो डीयू पहुंचे और अपनी डिग्री हासिल की। इस खास मौके पर शाहरुख को देखने के लिए न सिर्फ डीयू के स्टूडेंट्स मौजूद थे बल्कि भारी संख्या में उनके फैंस भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे। ऐसे में शाहरुख ने स्टेज पर ही खड़े होकर अपनी डिग्री दिखाई थी और यही पोज दिया था। अब कुछ यूजर्स इसे मौजूदा स्थिति से जोड़कर इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चीजों का आपस में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि शाहरुख की ये तस्वीर 2016 की है। तो अगली बार अगर दोनों चीजों को जोड़कर आपके पास व्हाट्सएप पर कुछ भेजा जाए या फिर ऐसी किसी खबर तक आप पहुंचे तो ध्यान रखिएगा इसकी सच्चाई क्या है। जाते जाते आपको सुनवाते हैं केजरीवाल का बयान जिसमें वो पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है, वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है, वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि
उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी, पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बेरसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे, एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया, इतना ज्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता, किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए, जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो 3ों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे तो।